अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस समर हाउस में दोबारा आए हैं जहाँ पे हमने एक दफ़ा कैंपिंग की थी, देसी कैंपिंग। तो आज हम वहाँ पर आए हैं दोबारा से कि ऐसी गैदरिंग करते हैं। मौसम ठीक है, आज बारिश नहीं हो रही हो तो यहाँ पे मौसम अच्छा है। सर्दी है हल्की सी लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो समझे मौसम अच्छा है। तो वो जो समर हाउस था जो पहले कुछ डिफरेंट दिखता था, अब वहाँ पर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, उसके बारे में थोड़ा दिखाता हूँ आपको। और फिर ये थोड़ा सा आज के व्लॉग में दिखाऊँगा कि ऐसी आउटिंग चल रही है, चाय बनाएंगे, शीशा पियेंगे, ये सब आपको दिखाएँगे। अभी ये वैसे किसी और का है लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेरीज, यहाँ पे वाइल्ड बेरीज इस तरह लगी होती हैं। लेकिन ये ब्लैक वाली जो है ना, इसमें पार्ट ये काफ़ी मज़े की होती है, रेड वाली खट्टी होती हैं काफ़ी। ये वाली खा के देखता हूँ, लेकिन ये खुश्क हो गई है। उधर अपने भी लगी हुई हैं लेकिन अब तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो अब ऑटम है, आप देख रहे हैं जैसे पत्ते छत्ते लाल हो रहे हैं और ऑटम लुक चल रही है यहाँ पर। ये बिल्डिंग हमारे जो भाई हैं जिनका ये है, वो ये बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। स्क्रैच मतलब बिल्कुल ग्राउंड से, पिछली जो बिल्डिंग थी वो उन्होंने गिरा दी है, अब इसको बिल्कुल ग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें ना, जैसे ये साथ वाले ने ये तैयार किया हुआ है और इस तरह सब ने अपनी अपनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। तो ये भी एक ज़रा ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं खुद ही सारी, ये सब इन्होंने खुद किया है। ये बिल्कुल ग्राउंड से इन्होंने स्टार्ट किया है कि नीचे इसके ग्राउंड है और ये ऊपर सारी बिल्डिंग खुद बना रहे हैं। वैसे ये टेट्रा पैक में इंजीनियर हैं और ये भी काम इंजीनियरिंग का ही है लेकिन ये पूरा मिस्त्री वाला काम है। ये हालत चेक करें, ये भी कुछ अरसे में जो है ना तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूगा, इसको स्टूगा कहते हैं समर हाउस को, अभी ये वो चल रहा है। समर की जो रातें थी वो यहाँ पर हमने कैंपिंग की थी और यहाँ पर हम रात को सोए थे, और अभी यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहाँ बैठ के हम शीशा पी रहे हैं। आपको शीशा भी दिखा, ये हैं बेरीज, ये वाली चेक करें ज़रा, ये वाली बहुत मज़े की होती है। लेकिन ये वाली जो रेड वाली है ना, ये भी खट्टी हैं, ये तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसी ने फालसे खाए हो ना, बिल्कुल फालसो जैसा जायका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये चेक करें, ये हमारी यार मशहूर बनती है यहाँ पे चाय, कोयले पे, कोयला नहीं लकड़ी जला रहे हैं हम। इतने जितनी मर्जी लकड़ पई है, इधर से तोड़ें इधर जलाएं जो मर्जी पकाएं, ओह आंखों पड़ रहा। ये चाय अभी हम पियेंगे तंदूरी, इसमें लकड़ी का गंद गुंद भी शामिल होगा। शीशा पियेंगे, चाय पियेंगे, मस्त ज़िंदगी। क्या कर रहे हो यार आप? यार ये आप मेरे हाथ में क्यों पकड़ा गए? हाँ आप तो पीते नहीं हो यार, मुझे पकड़ा दो। जी शीशा हमारा भरपूर चल रहा है, पान फ्लेवर लाए थे हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान की यादें आती हैं पान फ्लेवर से। यहाँ पे एक और भी मिलता है फ्लेवर, मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें निकोटीन नहीं होती लेकिन ये पाकिस्तान वाला है ज़रा निकोटीन होती, चढ़ता भी है थोड़ा सा, यहाँ वाला चढ़ता नहीं है। ये आज मैं आपको दिखाता हूँ स्वीडिश शीशा, इसमें खसूसियत क्या है। यहाँ पे ये वाला फ्लेवर मिलता है, ये डिफरेंट फ्लेवर होते हैं और ये पत्थर से होते हैं लेकिन इसमें निकोटीन नहीं होती, सिर्फ फ्लेवर होता है और चलता भी लंबा है, सड़ता सुड़ता भी नहीं है। वैसे ये जलता नहीं है, इसका बस धुआँ आता रहता। और ये इसमें मेन बात यह है कि आपको फॉयल नहीं लगानी पड़ती, ये कोल आप इसके ऊपर रखें ही, ये अभी गर्म है नहीं तो इसके नीचे डायरेक्ट फ्लेवर है, कोई फॉयल नहीं लगी। तो ये आप इंग्लिश मुँह वाला फुल टाइम अरबी शीशा, पाइप भी अच्छे वाला है, बंदा कूट भी सकता है किसी को लड़ाई हो जाए तो। ये मेरा दोस्त है मंजर, ये है अनीब साहब, हम तीन बंदे शीशा पीने वाले, जवान लोग शीशा पीते हैं वो भी तो है शीशा पीने वाले। और ये चीज़ पाकिस्तान में होता ना वो जो फास्ट कोल होता है वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो ये हमने गैस वाला वो रखा हुआ है, इस पर कोल रखे और स्टार्ट किए बस मस्त। और ये गैस का सिलेंडर मिलता है, सस्ता ही होता है, ये इसके नीचे लगाया और गैस आ गई। और क्या होता है इसमें, ये फ्लेवर है जो मैं अभी पाकिस्तान से लेकर आया था, फिर मैंने और मंगवाने की कोशिश की, एक बंदे को कहा कि ले आए, मुझे था कि वो खुद ही ले आएगा लेकिन वो बंदा, उसकी ना अभी पीआर नहीं हुई, उसकी नेशनैलिटी नहीं हुई तो वो डरता है कस्टम वाले ना फाड़ लेने मैनू। तो ये जो कोकोनट वाले कोल होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं डाला होता क्विक स्टार्ट के लिए, ये ऑर्गेनिक कोकोनट वाले कोल्स हैं। देखो ना
बॉर्डर कंट्रोल्स की वीडियोस, उसमें पकड़ लेते हैं सिगरेटें इस तरह का सब कुछ। वो वहां फिर लाती भी बक्से भर भर के ना, एक पाकिस्तानी यूके जा रहा था, उसने पता नहीं कितने बक्से भर के ना सिगरेट के लेके जा रहा था। तो ये वाले हम यूज करते हैं, इस पे रख के एक डंडा लाओ दो, तो ये आप इस पे स्टार्ट कर लें और मस्त जिंदगी जिए। ये अच्छा है काफी, ये वाला जो शीशा है ना, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ऐसा एक पाकिस्तान लेके जाके रखूँ, अपने कजनों को गिफ्ट कर दूँ, वो सस्ता शीशा चलाते रहते हैं वहाँ पर। ये हमारा शीशा बॉक्स है, बस जब दिल किया कहीं पे चलाया, मस्त जिंदगी। उसके अलावा आपको ये स्टूगा याद होगा मेरे एक पिछले वीलॉग में, जब हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी, यही जगह थी जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। और अभी स्टूगा की हालत में आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रही है यहाँ पे, क्योंकि ले जी चाय चाय बन गई हमारी, शामें हो रही हैं, ये ऑटम की शामें हैं। इधर आ जाएं कुर्सी। और आज खुशकिस्मती है हमारी कि आज जो है ना बारिश नहीं है, आग हमने जला ली है क्योंकि कुछ लोग मुल्तान से आए हैं, उनको बहुत ठंड लग रही है। जैकेटें चढ़ाई हुई हैं, पत्ते गिर रहे हैं, आग जल रही है, आग थले वाले क्यों नहीं लग रही। व्हाट्सएप ग्रुप में शीशा भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, यहाँ पे बहुत सीरियस डिस्कशन चल पड़ी है। इंडिया की तारीफें अगर होंगी तो मेरा एक दोस्त है सनी, जो मेरे वीलॉग देखता है इंडिया से, वो और उछल उछल के गिरेगा। नहीं मैं भी तारीफ ही करता हूँ कि वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। वो सब कोई डिजिटलाइज कर रहे हैं। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कहता है कि आप वहाँ पे किसी ठेले वाले के पास भी जाओगे, वो आपको पे करने के तीन तरीके बताता है। लाइक पाकिस्तान में इजी पैसा है कि आप इजी पैसा कर दो, वो तीन ऑप्शंस देता है और उसके बाद पूरी रसीद निकाल के देता है, सारी टैक्सेशन इन्फॉर्मेशन होती है। लाहौर में ठेले वाला, इंडिया में लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐप लॉन्च होगी सून, और वो उसको चाय चल रही है, इंडिया की तारीफें चल रही हैं, आग जल रही है, शीशा हमारा ऑलमोस्ट मुक चुका है, अब चाय चल रही है। और यहाँ पे आज रिसेंटली हमें पता चला है कि KFC हलाल है, तो KFC के लोग दीवाने हो चुके हैं, विकास भी खास तौर पर। कुछ बच्चे में भी ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करते हैं। आपका मैनेजर आपको कहे तुम अब डिस्कशन जो है वो बच्चों पे चली गई है, यहाँ पे आज की तरह की यहाँ पे 25-30 किस्म की डिस्कशन होंगी, हर कोई इंजीनियर आए, इंजीनियर ये डॉक्टर इंजीनियर है, तो भाई बरकत वाले कहें बच्चों यहाँ पे लेवल बहुत हाई है, हर हफ्ते स्टॉक को हाजिरी करानी है वरना उनको क्या कहते हैं पासपोर्ट नहीं मिलना। ले जी अब अंधेरा हो चुका है और हमारी गप्पे अभी भी चल रही हैं, क्यों मंजर, हम ये सोच रहे हैं कि अब हम फ्राइडे को मिला करेंगे अच्छे तरीके से, खाना वाना खाएंगे। और ये भाई साहब है स्टूगे वाले, ये बिल्डिंग इन्होंने खड़ी किया अकेले तन तनहा, पूरी बिल्डिंग खड़ी करके छतें डाल दी इन्होंने, इसमें वकास भाई की मेहनत भी शामिल है, कहीं ना कहीं वकास भाई ने भी खून दिया इस बिल्डिंग को अपना। मुनीब ने भी दिया, लिंट्स रखवाए हैं वकास भाई, वकास भाई ने भी काफी काम किया। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं हम यहाँ पे, यहाँ लाइट थोड़ी कम है, अंधेरा हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की सैटरडे गैदरिंग, चाय पी हमने यहाँ बना के, शीशा पिया हमने, और अभी आग जला के बस हमने गप्पे मारी इंजीनियर वाली, हमने कुछ 20-25 टॉपिक्स पर बातें कर ली होंगी, लेकिन हमने आज फाइनल किया कि हम फ्राइडे को मिला करेंगे। तो शीशा भी हमारा मुक गया क्योंकि इसमें वो पान फ्लेवर था वो जल्दी सड़ गया, लेकिन अच्छा था। मिलते हैं किसी और वीलॉग में, ये तो एक बस शॉर्ट सा वीलॉग था, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, वकास भी हंस रहे यार, क्या बात है, क्या बात है, कैंपिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, एंजॉय करें, फिशिंग करें, एंजॉय होना चाहिए जिंदगी में, मंजर काम को छोड़ो, एंजॉय करो।